हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हर एजुकेशन। आज हम राजस्थान में जो राजनीतिक जनजागरण है उसमें राजस्थान की किन प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व उन संस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व जिन प्रमुख राजनीतिक संगठनों ने राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया उसमें राजपूत मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ और अखिल भारतीय देशी राज्य रोग परिषद और राजपूताना देशी राज्य रोग परिषद प्रमुख मानी जाती हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की हम बात करें तो राजपूताना मध्य भारत सभा राजस्थान की पहली राजनीतिक संस्था थी जिन्होंने राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में की गई और दिल्ली के चांदनी चौक के जो मारवाड़ी पुस्तकालय है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष गणेश चंद्र विद्यार्थी तथा विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा और नरसिंह देव सरस्वती आदि ने मिलकर के इस संगठन की स्थापना की। इसका कार्यालय प्रारंभ में कानपुर यूपी केंद्र बनाया गया और उसके पश्चात इसका कार्यालय है वो बाद में अजमेर वो स्थानांतरित कर दिया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा है उसका प्रथम अधिवेशन है वो दिल्ली केंद्र 1918 में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता है उसमें आयोजित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन अमृतसर में 1919 के अंदर है वो किया गया और तृतीय अधिवेशन मार्च 1920 के अंदर अजमेर में ही जन्मलाल बजाज की अध्यक्षता में किया गया और चतुर्थ अधिवेशन है वो दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर है वो 1920 में इस सभा का अधिवेशन है वो किया गया और नागपुर अधिवेशन के समय है वो राजस्थान के किसानों ने राजस्थान की किसानों की दुर्दशा को प्रदर्शित करने के लिए है एक किसान जो प्रदर्शनी है वो लगाई और इस अधिवेशन में जो नागपुर अधिवेशन है उसमें विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस को पत्र लेकर के उसे विरासती प्रजा के कष्टों में सहयोगी बनने की अपील की। राजपूताना मध्य भारत सभा ने खेतड़ी, विशांगन, बिशाऊ, बिजोलिया, बेंगू, बीकानेर आदि स्थानों पर किसानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर किए गए अत्याचारों का विरोध किया और जो ट्राइबल मूवमेंट है सिरोही और के भील और ग्रासियों का जो आंदोलन है उसका समर्थन किया। बूंदी के अंदर जो बेगार प्रथा का है वो भी विरोध किया। तो इस प्रकार राजपूताना मध्य भारत सभा राजस्थान का प्रथम राजनीतिक संगठन था जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने का महत्वपूर्ण है वो कार्य किया। राजपूताना मध्य भारत सभा ने है वो जागीरदारों और रियासती राजाओं पर दबाव बनाने का कार्य किया और इस सभा ने कांग्रेस का ध्यान रियासती जनता की ओर आकर्षित करने में भी है वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। तो इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने का जो सर्वप्रथम जो कार्य है वो राजपूताना मध्य भारत सभा का था और इस सभा का प्रमुख उद्देश्य रियासती जनता को कांग्रेस की जो गतिविधियाँ हैं
उससे अवगत करवाना और प्रवासी राजस्थानियों का इसमें सहयोग प्राप्त करना, अछूत द्वार के लिए कार्य करना और नरेश शासकों और जागीरदारों के अत्याचारों से बचने के लिए किसान आंदोलन का संचालन है वो करना इस सभा का है वो प्रमुख उद्देश्य है वो माना जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा के पश्चात राजस्थान का जो दूसरा प्रमुख जो संगठन था उसे राजस्थान सेवा संघ है वो कहा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी और हरिभाव खिंकर और केसरी सिंह बारट और अर्जुनलाल सेठी के सहयोग से है वो की और इसका जो कार्यालय है वो वर्धा के अंदर है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा के अंदर हुई की और इसमें जैसे मैंने बताया कि विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी हरिभाव खिंकर केसरी सिंह बारट अर्जुनलाल सेठी आदि ने मिलकर के की। बाद में इस जो संघ है उसका कार्यालय है वो अजमेर 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और इस संगठन ने राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन है उसमें है इस संगठन ने महत्वपूर्ण है वो भूमिका है वो अदा की। इस संघ ने प्रथा से है वो राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र है वो प्रकाशित किए। इसमें जो राजस्थान केसरी है उसके संपादक है वो विजय सिंह पथिक थे और ये समाचार पत्र राजस्थान जो केसरी है वो वर्धा से ही है वो प्रकाशित होता था। इसके उप संपादक रामनारायण चौधरी थे और इसमें आर्थिक सहयोग है वो इसके प्रकाश में आर्थिक सहयोग श्री बिनाल बजाज ने किया और इसका नाम केसरी सिंह बारट है के नाम पर है वो केसरी राजस्थान केसरी वो रखा गया। तो राजस्थान केसरी है वो राजस्थान के लोगों को समर्पित पहला समाचार पत्र था जो वर्धा से प्रकाशित होता था। बाद में इसे अजमेर से निकालना प्रारंभ किया। राजस्थान केसरी है जो जो राजस्थान सेवा संघ है उसका कार्यालय जब अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अजमेर से नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान है नामक दो नए समाचार पत्र है वो राजस्थान सेवा संघ से निकलने प्रारंभ हुए। नवीन राजस्थान है वो 1922 में अजमेर से है वो विजय सिंह पथिक है उन्होंने निकाला। इसका जो मुख्य पृष्ठ है उस पर यश भव सुख की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे इच्छा है तो यह है कि मैं स्वेच्छाकार का दमन न हो ये इस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था। इस समाचार पत्र ने राजाओं जागीरदारों की नुकुशता का विरोध किया और जब इस समाचार पत्र पर वो रोक लगा दी गई तो इसका नाम बदल करके तरुण राजस्थान कर दिया गया। तो इस तरुण राजस्थान ने भी है वो एक प्रकार से जो सिरोही का रावण सिरोही के रावण राज्य आदि विभिन्न आर्टिकल वो प्रकाशित किए और तरुण राजस्थान का जो संपादक प्रारंभ में जो है था वो शोभा राम गुप्त थे और बाद में रामनारायण चौधरी बने इसके संपादक। और लेकिन जो 1924 के अंदर शोभा राम को है वो दो वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जयनंद व्यास ने ब्यावर से है वो तरुण राजस्थान का है वो प्रकाशन किया। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागृति पैदा करने में राजस्थान सेवा संघ है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके माध्यम से है वर्धा से राजस्थान केसरी और अजमेर से तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों ने राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
और इन समाचार पत्रों ने राजस्थान में किसान आंदोलन को भी मार्गदर्शन और प्रदान किया। और रामनारायण चौधरी 1924 से रामनारायण चौधरी और शोभा लाल गुप्ता को जो 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 तरुण राजस्थान में देशद्रोही जो 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 सामग्री वो प्रकाशित करने का अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में रामनारायण चौधरी को मुक्त कर दिया गया, लेकिन शोभा लाल गुप्ता को 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। 1924 के अंदर है वो भारत सरकार ने विजय सिंह पति को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको 5 वर्ष की सजा दी गई। लंबे अरसे की कैद के बाद में है वो विजय सिंह पति को 1927 में रिहा किया गया। और रिहा करने के बाद में राजस्थान सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों के मध्य है वो मतभेद शुरू हो गया। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच में 1927 में मतभेद बढ़ गए और इसके पश्चात राजस्थान सेवा संघ है वो एक प्रकार से है वो निर्जीव सा हो गया 1927 में। और 1928-29 में राजस्थान सेवा संघ है पूर्ण रूप से है वो मृतप्राय हो गया, प्रभावहीन हो गया। तो इस प्रकार राजपूताना मध्य भारत सभा के पश्चात राजस्थान सेवा संघ एक प्रमुख राजनीतिक संगठन था जिसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसका राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में जो तीसरा प्रमुख संगठन था वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद था, जिसकी स्थापना है वो 1927 के अंदर है, वो मुंबई के अंदर है वो की गई। और क्योंकि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो सदस्य हैं जो उनकी जो 1922 के अंदर जो पुणे के अंदर जो देशी राज्य के लोगों की जो मीटिंग हुई उसके अंदर है वो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना पर चर्चा की गई। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो पहला अधिवेशन है 1927 के अंदर है वो बुलाया गया। पहले इसका अधिवेशन है वो गुजरात में बुलाना था, लेकिन बाद में बाढ़ के कारण से है 17-18 दिसंबर 1927 के अंदर बम्बई के अंदर है वो इस सभा का अधिवेशन बुलाया गया। और इस सभा के अधिवेशन में 70 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता है वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव ने की। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को और सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया गया। इसके अलावा जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंदरी है, रामबंधु पोदार है, बालकृष्ण पोदार है, ननू राम है, शंकरलाल शर्मा है, त्रिलोक चंद माथुर है आदि इसके सदस्य थे। और इस संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम अधिवेशन 16-18 दिसंबर को मुंबई के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया। और इसी जो अधिवेशन के अंदर भाग लेने के पश्चात जो रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है और केसरी सिंह बारठ है आदि ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकार का अखिल भारतीय स्तर पर जो देशी राज्यों का संगठन है उसी आधार पर है वो राजपूताना के अंदर भी एक संगठन बने। और इसलिए उन्होंने 1928 के अंदर है वो अजमेर के अंदर है वो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो 1928 में की अजमेर में। और उसका पहला अधिवेशन है वो 23-24 नवंबर 1928 को है अजमेर में इसका पहला अधिवेशन किया। उसका सभापति अमृतलाल सेठ को बनाया गया। और इस जो संस्था है उनके माध्यम से है वो राजपूताना के अंदर है वो राजनीतिक जागृति पैदा करने के अंदर है महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। तो इस प्रकार इन जो राजनीतिक संगठन है जिसमें जो हम राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है आदि संगठनों ने है वो राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।